50,000 शिक्षक भर्ती आ रही है, तो ये तो आप सबको बहुत पहले से पता है कि 2021 में वैकेंसी आएगी, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो डीएलएड करके बैठे हैं या बीएड करके बैठे हैं, उनका अभी यूपी टेट ही क्वालिफाई नहीं है, तो वो लगातार ये कयास लगा रहे हैं कि यूपी टेट की परीक्षा आखिर कब तक होगी। तो अभी अभी कुछ ही समय पहले ये अपडेट निकल करके आ रही है कि यूपी टेट परीक्षा पास कराने की अनुमति मिल गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 का आयोजन फरवरी के अंत में प्रस्तावित है। पीएनपी के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर शासन की ओर से यूपी टेट 2020 कराने की अनुमति दे दी गई है। प्रस्ताव भेजा गया था पीएनपी के द्वारा और ये शासन ने अनुमति दे दी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यूपी टेट में लगभग 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। सी टेट कराने के निर्णय के बाद अब राज्य सरकार ने भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विस्तृत प्रस्ताव मांगा था और ये प्रक्रिया जल्द ही मिल जाएगी। इसका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में देखने को मिल सकता है। और हाँ, जिनका एक साल पूरा है, चाहे आप सेमेस्टर वाइज डीएलएड बीएड कर रहे हो, एक साल अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। बाकी जिनका बीएड बीटीसी था, उनका जो है प्रमाण पत्र वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस यूपी टेट की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, यहाँ पे उसका लिंक अभी हम लगा देंगे, क्लिक करके आप देख लीजिएगा। और यूपी टेट सी टेट के लिए 2 दिसंबर से ये बाल विकास का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी क्लासेज होंगी अन अकेडमी ऐप पे। 1 तारीख से सी टेट का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसकी क्लासेज होंगी अन अकेडमी ऐप पे। सभी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी कराएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूपी टेट का नया बैच कोर्स अभी हाल ही में शुरू हुआ था, 21 तारीख से उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप उसको भी इनरोल कर सकते हैं। तो यहां पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है और यूपी टेट की तैयारी कैसे करनी है ये भी यहाँ पे आपको एक वीडियो बन करके आ रहा है, क्लिक कर सकते हैं। ये मान करके चलिएगा कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में ये परीक्षा हो सकती है और इसके बाद रिजल्ट आएगा मार्च अप्रैल तक, और उसके बाद शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी।